नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निधि झा। हाजिर हूं एक बार फिर टॉप 10 खबरों के साथ। नजर डालते हैं देश विदेश की मुख्य सुर्खियों। लुधियाना के गिल गांव के पास ज्वेलरी शॉप में आभूषणों की लूट, हथियारबंद लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। आज साईं मियां मीर जी के वंशज अली राजा के सेवक सचखंड श्री हरमंदर साहिब में हुए नतमस्तक। 1588 में साईं मियां मीर जी ने हरमंदर साहिब की नींव रखी थी। बसपा का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान, मायावती बोली गठबंधन से फायदा कम नुकसान ज्यादा, राजनीति से संन्यास लेने से किया इनकार। इंडिगो के फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को मारा थप्पड़, उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज था, बोला चलाना है तो चला नहीं तो गेट खोल दे। पंजाब और दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा 3.1 डिग्री सेल्सियस। 150 फ्लाइट 80 कैंसिल। यूपी बिहार में शीतलहर, एमपी में 20 तक कड़ाके की ठंड। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन, राहुल ने इम्फाल वेस्ट से यात्रा की शुरुआत की, रात को नागालैंड पहुंचेंगे, 2 दिन में 257 किलोमीटर चलेंगे। IMF चीफ बोली AI खतरनाक लेकिन नौकरी के अवसर देगा, कहा 40% नौकरियां जाने का खतरा, विकासशील देशों में इसका असर कम होगा। अमेरिका में बर्फबारी का 82 साल का रिकॉर्ड टूटा, -45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान, 7 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे प्रभावित। हमास बोला इजरायली बंदा खतरे में, कई मारे गए, वीडियो जारी कर कहा इनके भाग्य का फैसला कल होगा। गाजा में 22 लाख लोग भूखे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक आज से, इनमें भारत के 3 मंत्री और 3 CM शामिल होंगे। रीबिल्डिंग ट्रस्ट है इस बार की थीम। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया।